हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। मैं शुभम साहू हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ईगल को इसके आकार, शक्ति और उड़ान के कारण पक्षियों के राजा के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे गरुड़ की संज्ञा दी जाती है, जो भगवान विष्णु का वाहन है। आज हम आपको ईगल से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारी देने वाले हैं, जिसे ना तो आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही टीवी पर देखा होगा। लेकिन 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 वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वातावरण के अनुसार बाज यानी कि ईगल की लंबाई, वजन और आकार में विविधता होती है। जंगली क्षेत्र में रहने वाले बाज के पंखों का विस्तार कम होता है, वहीं मैदानी और खुले क्षेत्र में रहने वाले बाज के पंखों का विस्तार अधिक होता है। लंबाई और पंखों के विस्तार के आधार पर फिलिपिनी ईगल विश्व में बाज की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। स्टेलर सी ईगल और हार्पी ईगल वजन और आकार के हिसाब से सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। बाज एक तरह से आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। उनकी पलकों में एक झिल्ली होती है। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए इस झिल्ली को बंद कर सकते हैं, जबकि उनकी मुख्य पलकें खुली रहती हैं। यह झिल्ली उनकी आंखों को नम और साफ करने में मदद करती हैं। बाज की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 से 8 गुना अधिक तीव्र होती है। साथ ही उनकी दृष्टि का क्षेत्र भी व्यापक होता है। बाज 3.2 किलोमीटर यानी कि 2 मील दूर से ही खरगोश की टो ले लेता है। बाज का वजन मात्र 4.5 केजी यानी कि 10 पाउंड होता है, लेकिन उनकी आंखें आकार में मनुष्य की आंखों की आकार की होती है। सभी जीवों की तरह अगर बाज को रोज खाना ना मिले तब भी वह जीवित रह सकता है। बाज को हर दिन खाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके पास एक विशेष पाचन अंग क्रॉप होता है। बाज इसमें बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित रख सकता है। यह भोजन ऐसे समय में काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है। सभी शिकारी पक्षियों की तरह ये भी अपने शिकार को नाखूनों से मारते हैं। इनके पंजों का स्ट्राइक रेट राइफल के बुलेट के 2 गुना होता है। अगर आपको भी ऐसा कोई फैक्ट पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अपनी वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम शामिल करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।